नमस्कार। अपने टीएलएम की श्रृंखला में आज मैं फिर प्रस्तुत कर रही हूँ अपना एक नया टीएलएम, जिसे मैंने क्लास वन के बच्चों को जोड़ तथा घटाने की संक्रियाओं का अभ्यास कराने के उद्देश्य से बनाया है। इस टीएलएम की खास बात यह है कि यह टीएलएम बच्चों के लिए एक खिलौना होगा, लेकिन बच्चे खेल खेल में ही इस टीएलएम की सहायता से जोड़ तथा घटाने के सवालों का अभ्यास करना सीख जाएंगे। और इस एक टीएलएम में दो बच्चे एक साथ खेल सकते हैं और साथ ही साथ सीख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पिनर का प्रयोग किया है और इसके ऊपर एक दफ्ती का एरो लगाया है। चूंकि ये टीएलएम मैंने क्लास वन के छोटे बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए मैंने केवल प्लस वन, प्लस टू, माइनस वन और माइनस टू तक की संक्रियाओं को सम्मिलित किया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस स्पिनर को घुमाते हैं, एरो जो है इन चारों खानों में से किसी एक खाने में जाकर रुक जा रहा है। जैसे कि या तो प्लस वन में रुकेगा, या प्लस टू पे, या माइनस वन या माइनस टू पे। अब आप देखेंगे कि इस टीएलएम के दोनों साइड मैंने एक से दस तक के अंक लिख रखे हैं और धागे की सहायता से दो बीड्स लगा के उन दोनों बीड्स को मैंने फाइव नंबर पे फिक्स कर दिया है। आपको भी यही करना है, दोनों बीड्स को फाइव नंबर पे फिक्स करके फिर पहला बच्चा स्पिनर को घुमाएगा। जैसे ही स्पिनर को घुमाएगा, उसका एरो किसी एक खाने में रुकेगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस टू पे रुका है। अब जो पहला बच्चा है वो 5 से माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेगा, 2 घटाएगा और 5 से 2 घटाकर उसकी जो गोटी है पिंक कलर का जो आपको बीट दिख रहा है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। 5 से 2 को घटाया 3। अब दूसरा बच्चा जो है वो स्पिनर को घुमाएगा। जैसे ही स्पिनर को घुमाएंगे, आप देखेंगे कि एरो किसी एक खाने में रुक गया, जैसे कि एरो यहाँ पर माइनस वन पे रुक गया। अब दूसरा बच्चा 5 से 1 माइनस करेगा, जैसे ही 5 से 1 माइनस करेंगे उसका बीट कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। अब फिर पहला बच्चा जो है वो स्पिनर को घुमाएगा, जैसे ही स्पिनर को घुमाएंगे एरो किसी एक खाने में जाके रुक गया, जैसे कि प्लस वन पे रुका। अब पहला बच्चा 3 में प्लस वन ऐड करके 4 पे पहुँच जाएगा। इसी तरह दूसरा बच्चा फिर से स्पिनर को घुमाएगा और उसका एरो जहाँ पे भी रुकेगा, जैसा कि प्लस टू पे रुका है तो वो जिस स्थान पे है उसमें दो अंक वो जोड़कर आगे बढ़ जाएगा, यानी 4 से 6 पे बढ़ जाएगा। इस तरह से बारी बारी से दोनों बच्चे इस स्पिनर को घुमाते जाएंगे और प्लस तथा माइनस की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ घटाकर ऊपर नीचे करते हुए अंत में फाइनल में जो बच्चा 10 पे पहुंचेगा, सबसे पहले जो बच्चा 10 पे पहुंच जाएगा वो बच्चा जीत जाएगा और उसके स्थान पर हम दूसरे बच्चे को खिला सकते हैं, इस खेल का हिस्सा बना लेंगे। और इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे जोड़ घटाने भी सीखता जाएगा खेल खेल में। तो देखा आपने ये टीएलएम कितना मजेदार है, जब बच्चे इसको खेलेंगे तो बहुत ही उनको मजा भी आएगा और वो जोड़ घटाने की जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उनको भी करना सीख जाएंगे। और इस टीएलएम को हम शून्य निवेश से बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इस टीएलएम को मैंने दफ्ती पर बनाया है, इसे मैंने व्हाइट चार्ट से कवर करा है, एक स्पिनर का प्रयोग किया जो मेरे पास रखा हुआ था, कुछ स्केच पेन, फेविकोल, कैंची और स्केल, मार्कर और ये छोटे छोटे से बीड्स चाहिए थे मुझे, जिन और इन बीड्स को जिन धागे में फंसाना है वो धागा मैंने यहाँ पे ऊन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम जो हमारी दफ्ती है उसको वाइट चार्ट से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर येलो ग्लेस पेपर या कोई भी कलरफुल चार्ट या ग्लेस पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास वाइट चार्ट था इसलिए मैंने वाइट चार्ट का यहाँ पर यूज़ किया है, जिसे मैं बाद में क्रियोल से कलर कर लूँगी ताकि देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगे। इस तरीके से मैंने अपनी इस तख्ती को वाइट चार्ट से पूरा कवर कर लिया है।
अब मेरे पास एक दफ्ती का टुकड़ा रखा हुआ था जिसे मैं गोलाकार काट लूंगी, जिसकी गोलाई जो है वो स्पिनर से ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे इसके बीच में स्पिनर को सेट करना है। इस प्रकार मैंने दफ्ती को काट लिया है और जो कुछ वाइट चार्ट थोड़ा सा बचा था उसे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो कलरफुल चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इस पर चार्ट को पेस्ट करके उसे साइड से काट कर बाहर निकालूंगी। इस तरीके से देख सकते हैं बीच का जो हिस्सा है वो मेरा रेडी हो गया। स्पिनर को आप रख के देखिए, स्पिनर से बड़ा गोला आपको कट करना है। अब मैं इसके चार बराबर हिस्से कर लूंगी। आप स्पिनर को बीच में रखकर सेंटर चेक कर लीजिएगा कि कहां से आपको हिस्से करने हैं, बराबर हिस्से। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अब मेरे पास थोड़ी सी दफ्ती थी जिसका मैं एक एरो काट लूंगी जिसे मुझे स्पिनर के ऊपर पेस्ट करना है। अब हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेंगे, यानी +1, +2, -1, -2। लेकिन आप स्पिनर को इस गोले के ऊपर रखकर जरूर चेक करिएगा कि कहीं स्पिनर से ये नंबर्स आपके छिप तो नहीं रहे हैं। तो स्पिनर रख के आप स्पेस चेक कर लीजिएगा कि आपको कहां पर इन नंबर्स को लिखना है। फिर ये क्रेयॉन की सहायता से मैं इनको कलरफुल बना लूंगी। हर एक ब्लॉक को मैं अलग अलग कलर से पेस्ट कर दूंगी, कलर लगा दूंगी। इस पे क्रेयॉन से मैं इसको कलर कर ले रही हूँ। आप चाहें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कलरफुल चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास वाइट चार्ट था तो मैं इसको क्रेयॉन की सहायता से कलरफुल बना लूंगी। अब जो मेरा ये स्पिनर था इसके ऊपर मैंने एरो को डबल साइडेड टेप से चिपका लिया है। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस जो मेरा नीचे का सर्कुलर हिस्सा था उसको थोड़ा सा मैंने मार्कर से हाईलाइट कर लिया है ताकि देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगे। अब ये मेरा लगभग जो स्पिनर का हिस्सा था वो रेडी हो गया है। स्पिनर को मैं डबल साइडेड टेप से, जो सेलो टेप आता है डबल साइडेड टेप, उससे चिपका दूंगी। और ये बहुत ही आसानी से देखिए चिपक गया और ये इजिली मूव भी कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो दफ्ती है इसकी दोनों साइड हमें 1 से 10 तक के नंबर्स लिखने हैं। तो आप स्पिनर को बीच में रखकर बराबर दूरी पर 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उन लाइंस के हमें बराबर 10 हिस्से करने हैं, क्योंकि हमें 1 से 10 तक अंक लिखने हैं। आप चाहें तो अंकों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि मैंने ये TLM क्लास 1 के छोटे बच्चों के लिए बनाया है इसलिए मैंने केवल 1 से 10 तक के अंकों का ही यहाँ पर प्रयोग किया है। इस प्रकार दोनों साइड हम 10 खाने बनाकर उनपे अंकों को लिख लेंगे। 1 से 10 तक के अंक हम दोनों साइड लिख लेंगे। मैं इन नंबर्स को क्रेयॉन की सहायता से हाईलाइट कर लूंगी। हर एक कॉलम को मैंने अलग अलग क्रेयॉन से कलर किया है ताकि देखने में थोड़ा सा ये आकर्षक लगे। बच्चों को खिलौने भी रंग बिरंगे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं स्टेलम को रंग बिरंगा बनाने का प्रयास करूंगी। दोनों साइड के जो नंबर्स हैं उनको मैं क्रेयॉन की सहायता से हाईलाइट कर लूंगी। इस प्रकार मैंने दोनों साइड की पट्टियों पर 1 से 10 तक के नंबर्स लिख लिए। आप स्पिनर रख के देखिए आसानी से मूव कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक धागे में जो मैंने बीड्स लिए थे उनको एक एक बीड को पिरोकर उस धागे को इस चेलम के ऊपर सेट करना है। दोनों साइड में इस धागे में बीड को फंसाकर धागे को एक धागा इस साइड बांध देना है और एक धागा जो है वो दूसरी साइड में हम बांध देंगे।
दोनों साइड मैंने धागों में बीट को सेट कर दिया है। अब जैसा कि मैंने अपने स्टेलम का एक नाम रखा है जो कि मैं स्टेलम पर मेंशन कर दूंगी। मेरे टीएलएम का नाम है खेलो भी सीखो भी, क्योंकि बच्चे इस टीएलएम में खेल खेल में सीखेंगे। और ये टीएलएम बड़ा ही मजेदार है। इसको बनाने के बाद आप एक बार इसका प्रयोग करके जरूर देखिए क्लास में। बच्चे बहुत ही मजे से इस गेम को खेलेंगे और कब वो जोड़ तथा घटाने के सवालों को स्पीड से हल करना सीख जाएंगे जान भी नहीं पाएंगे बच्चे, वो खेल खेल में ही वो सीख जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अपने इस टीएलएम को हाईलाइट कर लूंगी क्रेयॉन की सहायता से। मैं इसको कलरफुल बना लूंगी ताकि देखने में बड़ा ही सुंदर सा लगने लगे। अब जो ये मेरा स्पिनर है इसको मैं फेविकोल की सहायता से इसके बीच में सेंटर पर पेस्ट कर दूंगी। आप इसको सही से सेट करिएगा, बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए। फेविकोल की सहायता से हम इसको बीच में चिपका देंगे। इस तरह इसको पेस्ट कर देंगे और ये मेरा टीएलएम बनकर रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं कि इस टीएलएम को बनाने में बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आई। हम इसे शून्य निवेश टीएलएम भी कह सकते हैं। और इस टीएलएम का जब आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो वास्तव में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको अपनी क्लास में। फिर मिलेंगे एक नए टीएलएम के साथ, एक नए आइडिया के साथ। अपने बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग और नए टीएलएम। तब तक